तो लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में, एंड सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में हम लोग सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का स्टेटमेंट के बारे में डिस्कस कर चुके थे, एंड मैथमेटिकल फॉर्मूला भी डिस्कस कर चुके थे। यानी कि लास्ट क्लास में हम लोग दो चीज ही डिस्कस किए थे। पहला क्या डिस्कस किए थे? सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का स्टेटमेंट के बारे में, एंड दूसरा मैथमेटिकल फॉर्मूला के बारे में। क्लियर? तो मैथमेटिकल फॉर्मूला जो सेकेंड लॉ का जो होता है उसको मैं एक बार फिर से रिकॉल कर दे रहा हूं, उसके बाद हम लोग क्लास पास कंटिन्यू करेंगे। क्लियर? चलिए ध्यान से सुनिएगा आप लोग। जैसे मान लीजिए एक बॉडी है जिसका मास मान लीजिए एम है, मान लीजिए एक बॉडी है जिसका मास एम है, और इस बॉडी पे नेट फोर्स मान लीजिए एफ लगाया जा रहा है। रिपीट कर रहा हूं, मान लीजिए बॉडी है जिसका मास एम है और इस पे नेट फोर्स कितना लग रहा है? एफ लग रहा है। इस फोर्स के लगाने की वजह से बॉडी क्या कर रहा है? एक्सेलरेट कर रहा है, जिसके वजह से इसके पास एक्सेलरेशन मान लीजिए ए आ गया। यानी कि एक बॉडी है जिसके पास मास एम है और इस पे नेट फोर्स कितना लगाया जा रहा है? एफ, और इस फोर्स की वजह से बॉडी क्या कर रहा है? एक्सेलरेट कर रहा है, जिसके वजह से एक्सेलरेशन कितना आ गया? ए आ गया। तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जो है उसका जो मैथमेटिकल फॉर्मूला जो होता है, देखिए क्या होता है, इस बॉडी पे जो नेट फोर्स जो लगा है यानी कि एफ, ये बराबर होता है इस बॉडी का मास और एक्सेलरेशन के प्रोडक्ट के बराबर। यानी कि ये जो है यही सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का मैथमेटिकल फॉर्मूला है, यानी कि नेट फोर्स ऑन द बॉडी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। यही है, एंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ना। आज हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे और इसका यूज भी करेंगे हम लोग। क्लियर? तो चलिए आज का क्लास कंटिन्यू करते हैं हम लोग, पढ़ाते आगे, है ना। अब सुनिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कि सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का, यानी कि ये जो मैथमेटिकल फॉर्मूला जो है इक्वल टू एम ए, हम इसका यूज करके जो फर्स्ट लॉ जो था मोशन का, हम उसका स्टेट कर सकते हैं। यानी कि हम लोग ये जो मैथमेटिकल फॉर्मूला जो सेकेंड लॉ का है, इसका हम यूज करके हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को डेराइव कर सकते हैं। नहीं समझना है? फिर से रिपीट कर रहा हूं कि इस फॉर्मूले का यूज करके, यानी कि मैथमेटिकल फॉर्मूला जो सेकेंड लॉ का जो है, हम इसका यूज करके न्यूटन के फर्स्ट लॉ यानी कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का डेराइव कर सकते हैं उसको, न्यूटन के फर्स्ट लॉ को हम लोग डिराइव कर सकते हैं इसको यूज करके। देखिए कैसे कैसे करते हैं, देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, है ना। यानी कि हम लोग अब सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का जो मैथमेटिकल फॉर्मूला जो होता है उसका यूज करके हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को डिराइव करेंगे। तो हमारा हेडिंग होगा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन derived from second law of motion। यानी कि second law of motion का mathematical formula use करके हम लोग first law of motion को derive करेंगे। कैसे करेंगे देखिएगा ध्यान से, एक एक चीज को देखिएगा, है ना। चलिए हमारे पास सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का जो मैथमेटिकल फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है? एफ इक्वल टू एम ए होता है। अब इसी का यूज करके हम फर्स्ट लॉ को डिराइव करेंगे। देखिए यही होता है ना सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का मैथमेटिकल फॉर्मूला, यस सर यही होता है। अब देखिए, अच्छा आपको पता है कि एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, यानी कि वी माइनस यू बाय टी। ये सबको पता है कि ए इक्वल टू वी माइनस यू बाय टी होता है। अब ये जो फॉर्मूला जो है, इस फॉर्मूले में एक्सेलरेशन की जगह पे हम इसको पुट कर देंगे, क्योंकि बराबर है, क्योंकि एक्सेलरेशन इतना होता है यहां पे हम रख देंगे। तो देखिए देयरफॉर एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा? मास एज इट इज रहेगा एंड एक्सेलरेशन की जगह पे हम इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे। देखिए देखिए जहां पे ए था उसके जगह पे हमने इसको रख दिया क्योंकि उसके बराबर था। अब ध्यान से सुनिएगा, ये मास को अंदर में मल्टीप्लाई कर देते थे एम बी हो जाएगा, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस एम यू हो जाएगा। अब नीचे में क्या है? टी है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो एफ टी
इक्वल टू एम वी माइनस एम यू हो जाएगा। इसको इक्वेशन वन मान लीजिए। ये क्या ये समझ में आया, ऐसा क्यों कर रहे हैं आपको तुरंत समझ में आएगा। यानी कि हम ये सेकेंड लॉ जो हमारा जो है सेकेंड लॉ का जो मैथमेटिकल फॉर्मूला है उसका यूज करके हमको फर्स्ट लॉ को डिराइव करना है। तो हमने क्या किया, पहले इसको लिखा एंड देन इसको मॉडिफाई करते गए। कैसे, ए के जगह पे हमने एक्सेलरेशन का फॉर्मूला रखा, फिर उसको मॉडिफाई किए तो हमारा ये इक्वेशन हमारा आया है कि नहीं, एम वी माइनस एम यू इक्वल टू एफ। उसको इक्वेशन हमने वन मान लिया। अब सुनिए, अब केस लेते हैं, मान लीजिए केस वन है ना, ये हमारे पास एक इक्वेशन आ चुका है, फॉर्मूला आ चुका है। अब ध्यान से सुनिए, केस वन लेते हैं कि एक बॉडी है, मान लीजिए क्या है, एक बॉडी है जिसका मास क्या है, एम है। ध्यान सुनिएगा, एक बॉडी है जिसका मास एम है और अभी ये रेस्ट में है। क्या है, ये रेस्ट में है। तो अगर रेस्ट में होगा तो इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, जीरो होगा। पहली बात कर चुका है सबके मैं इसके बारे में कि अगर बॉडी कोई रेस्ट है तो उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, जीरो होगा। तो इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, जीरो। हमने कंसीडर किया कि बॉडी है जिसका मास एम है और वो क्या है, रेस्ट में है। तो अगर रेस्ट में है तो उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, जीरो। तो मान लीजिए कि इस बॉडी पे अभी कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, यानी कि अभी इस बॉडी पे नेट फोर्स क्या है, जीरो है। तो केस वन में हम मान लेते हैं कि इफ नेट फोर्स यानी कि इस बॉडी पे जो नेट फोर्स जो लग रहा है वो क्या है, जीरो है, और बॉडी रेस्ट में है तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है, जीरो है। बात समझ में आ रही है, यानी कि हम पहले ही मान लिए कि एक बॉडी रेस्ट में है तो उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, जीरो होगा, और उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, कोई फोर्स नहीं लग रहा है ना। देन क्या होगा, देन इक्वेशन वन, देन फ्रॉम इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन। अब ये जो वैल्यू हमने जो कंसीडर किया है इस वैल्यू को इक्वेशन वन में हम क्या करेंगे, रखेंगे। तो देखो एफ जो है ना, एफ के जगह पे क्या रखेंगे, जीरो, क्योंकि हमने माना जीरो। तो देखो जीरो रखनी है, टाइम तो हमारा कुछ नहीं मानेगा, टाइम को कुछ नहीं कर सकते, टाइम रखने के लिए इक्वल टू एम को भी हमने कुछ नहीं किया है तो एम तो रहने दो, हमने भी को भी के बारे में कुछ बोला ही नहीं तो भी को भी रहने दो, माइनस एम भी एज इट इज रहेगा। यू यहां पे देखिए क्या है, जीरो है, यहां पे यू के जगह हमने जीरो रखा, तो ये तो जीरो, जीरो से टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो हो जाएगा, ये एम भी हो जाएगा, मास इक्वल जीरो माइनस जीरो यानी कि जीरो इक्वल टू एम भी। अब यहां से भी निकालिए तो भी यहां पर रहने दो, एम इधर आ जाएगा तो जीरो बाई एम यानी कि भी इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो बाई एम यानी कि जीरो। देखिए यहां पर हमने क्या किया, ध्यान से सोचिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है ये, यानी कि एक लॉ का यूज करके दूसरे लॉ को डेराइव करना, समझ रहे ना बात को। हाँ ध्यान सुनिए कि मान लीजिए एक बॉडी है और अभी वो रेस्ट में है, तो रेस्ट में है तो क्या है, इनिशियल वेलोसिटी उसका जीरो होगा। तो हमने माना कि बॉडी रेस्ट में है तो उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, जीरो। इफ इनिशियल वेलोसिटी जीरो यानी कि बॉडी स्टार्टिंग में क्या है, रेस्ट में। अब कहता है कि उस बॉडी पे फोर्स नहीं लग रहा है, इसका मतलब क्या है, बॉडी पे नेट फोर्स क्या है, जीरो। बॉडी पे फोर्स लग ही नहीं रहा है तो नेट फोर्स क्या हो गया, जीरो। तो हमने क्या कर दिया, नेट फोर्स जीरो कर दिया। क्लियर। अब ये दोनों डाटा को हमने इस इक्वेशन में पुट किया, ये इक्वेशन में पुट किया। ये इक्वेशन कहां से आया था, ये इक्वेशन कहां से आया था, मैथमेटिकल फॉर्मूला ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन से, उसी को हम लोग मॉडिफाई किए हैं। इसको जब हम मॉडिफाई करते हैं तब ये आया है, यानी कि ये जो इक्वेशन है कहां से आया है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन से आया है। तो ये जो हमने चीज कंसीडर किया कि एक बॉडी रेस्ट में है तो उसका इनिशियल वेलोसिटी जीरो है और उस पर अगर कोई फोर्स नहीं लग रहा है यानी कि नेट फोर्स क्या है, जीरो है, तो वो वैल्यू को हमने क्या किया, इस इक्वेशन में हमने रख दिया। तो जैसे हमने रखा तो इस बॉडी का फाइनल वेलोसिटी क्या आ गया, जीरो आ गया। इट मीन्स यहां से क्या समझ में आया कि ये बॉडी का इनिशियल वेलोसिटी जीरो एंड फाइनल वेलोसिटी भी जीरो। अब सुनिएगा, इससे हमें क्या मिल रहा है, ये करने से हमें क्या मिला कि बॉडी पहले यहां पे क्या था, रेस्ट में था, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या था, जीरो। जब इस पे कोई फोर्स मतलब नेट फोर्स इस पे क्या था, जीरो था, यानी कोई फोर्स नहीं लग रहा था। इस बॉडी पे नेट फोर्स क्या था, जीरो था, यानी नहीं लग रहा था फोर्स।
है कि नहीं है। तो जब ये चीज को हमने जब इस इक्वेशन में रखा तो फाइनल वेलोसिटी भी क्या आ गया, जीरो आ गया। इट मींस बॉडी अभी भी क्या है, रेस्ट में। ये क्या बता रहा है कि फाइनल वेलोसिटी जीरो आया। इसका मतलब क्या बताना चाह रहा है कि पहले तो इनिशियली जीरो था, यानी कि पहले रेस्ट में था, बाद में भी रेस्ट में है, यानी कि फाइनल भी क्या है, जीरो है। यानी कि फाइनल मतलब कुछ देर के बाद भी क्या है, रेस्ट में है। तो फर्स्ट लॉ क्या हम लोग बताए थे, सुनो, कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है और उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, ध्यान सुनिएगा फर्स्ट लॉ क्या कहे थे, कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है और उस पर कोई फोर्स नहीं लगा है तो बॉडी रेस्ट में ही रहेगा। अब देखिए ये बॉडी रेस्ट में था, इस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा था, है कि नहीं, कोई फोर्स नहीं लग रहा था, तो देखो अभी भी क्या है, रेस्ट में है। फाइनल वेलोसिटी जीरो, इसका मतलब मोशन में नहीं आया है, रेस्ट में ही है। अगर मोशन में आता तो फाइनल वेलोसिटी समथिंग कुछ होता, बट यहां तो फाइनल वेलोसिटी भी जीरो आ गया, यानी कि इनिशियल भी जीरो, फाइनल भी जीरो, यानी कि बॉडी रेस्ट में है। स्टार्टिंग में भी रेस्ट में था, कुछ देर के बाद में भी रेस्ट में था, कुछ दिनों के बाद में भी रेस्ट में था। समझ में आया। तो फर्स्ट लॉ क्या कहता था कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है और उस पर अगर कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो बॉडी रेस्ट में ही रहेगा। तो वही चीज को ना बता रहे हैं यहां पे, देखो तो कि एक बॉडी रेस्ट में है, ये बॉडी रेस्ट में है और इस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है ना। तो जब रेस्ट में था तो इनिशियल वेलोसिटी क्या था, जीरो। जब इस पर कोई फोर्स नहीं लगा तो जब हम इसी ये सारे डाटा को जब हमने सेकेंड लॉ में रखा, इस इक्वेशन में रखा, तो फाइनल वेलोसिटी क्या मिली, जीरो। ये क्या बताना चाह रहा है कि कुछ देर के बाद भी वेलोसिटी उसका क्या है, जीरो, यानी कि अभी भी क्या है, वो रेस्ट में है। तो क्या ये बता रहा है कि नहीं, वो जो स्टेटमेंट जो था फर्स्ट लॉ का, उसमें कह रहा था ना कि अगर बॉडी रेस्ट में रहेगा और उस पर कोई अगर फोर्स नहीं लगेगा तो बॉडी रेस्ट में रहेगा। तो देखो ये बॉडी रेस्ट में था, इससे कोई फोर्स नहीं लग रहा था, तो बाद में भी क्या है, रेस्ट में ही है। बात तो समझ में आया, यानी कि यहां पे क्या बोल सकते हैं कि बॉडी रिमेन है रेस्ट, देयरफॉर बॉडी रिमेन्स एट रेस्ट। बात समझ में आया। तो यहां पे देखो हम इसका यूज किए कि नहीं, इसी का यूज करके ना बताए फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी जैसी जीरो आए तैसे हम बोल दिए कि हाँ देखो बॉडी अभी भी रेस्ट में है। क्लियर, क्लियर। और ये कब पॉसिबल था, जब बॉडी पे फोर्स नहीं लगा था। क्लियर हो गया। अब सेकेंड के साथ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, आपका क्वेश्चन हो सकता है ना, यानी कि आपका क्वेश्चन हो सकता है कि सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को और फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को डिराइव करें सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का यूज करके। तो आपको ये आना चाहिए, है ना। कैसे आना चाहिए आप देख लीजिए बढ़िया से। केस नंबर टू, तो केस नंबर टू में ध्यान सुनिए कि मान लीजिए एक बॉडी है जिसका मास मान लीजिए एम है और ये बॉडी जो है ना मूव कर रहा है विथ वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी यू। ध्यान से सुनिएगा मैं जो बोल रहा हूं। मान लीजिए एक बॉडी है जिसका मास क्या है, एम है, और ये मूव कर रहा है विथ वेलोसिटी यू, यानी कि इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या है, यू है। बात समझ रहे ना। मान लीजिए कि इस बॉडी पे इफ इस बॉडी पे जो नेट फोर्स जो है वो मान लीजिए जीरो है। ध्यान से सुनिएगा, जो भी चीज बोल रहा हूं तुरंत फर्स्ट लॉ को इंक्लूड कर दूंगा यहां पे, है ना, बताने के बाद। मान लीजिए एक बॉडी है, मास एम है उसका, एंड ये इनिशियली मूव कर रहा है विथ इनिशियल वेलोसिटी यू, यानी कि ये अभी रेस्ट में नहीं है, ये मोशन में है। और जिस स्पीड से इनिशियली मूव कर रहा है वो क्या है, यू है। पहले क्या लिए थे हम, रेस्ट में लिए थे, अब नहीं है, मोशन में है, है ना। चलिए, एफ इक्वल टू ले लीजिए जीरो, यानी कि इस पे नेट फोर्स क्या है, जीरो है। मूव कर रहा है बट नेट फोर्स क्या है इस बॉडी पे, जीरो है। गुड। अब इस इक्वेशन मतलब इसको एफ इक्वल टू जीरो को इक्वेशन वन में पुट करो, इसमें पुट करो, देन फ्रॉम इक्वेशन वन से या इक्वेशन वन में पुट इन इक्वेशन वन बोल सकते हो। तो एफ की जगह क्या रखोगे, जीरो इंटू टाइम इक्वल टू एम वी माइनस एम यू। तो एम वी एम यू, देखो फाइनल वेलोसिटी के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, इनिशियल वेलोसिटी यू दिया था, हमने यू रख दिया, मास के बारे में हम बोला था तेम रख दिया, सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन यहाँ पे क्या दिया था कि इस बॉडी पे नेट फोर्स जो है क्या है, जीरो है। तो हमने यहाँ पे एफ की जगह पे जीरो हमने रख दिया, बट हमने कुछ नहीं किया है। क्लियर। अभी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जीरो। ये क्या हो जाएगा, एम वी माइनस एम यू।
है कि नहीं, इसको इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा एम यू माइनस है ना, इधर आएगा क्या हो जाएगा प्लस, इधर क्या हो जाएगा एम यू, ये एम एम क्या हो जाएगा कट जाएगा तो यू इक्वल टू क्या हो जाएगा थ्री। अब सुनो ये क्या दे रहा है, ये क्या दे रहा है, यानी कि स्टार्टिंग में उस बॉडी के पास इनिशियल वेलोसिटी क्या था जीरो, देन आफ्टर सम टाइम यानी कि टी टाइम के बाद इस बॉडी के पास जो वेलोसिटी जो फाइनल वेलोसिटी हो रहा है ये फाइनल वेलोसिटी इनिशियल के बराबर हो रहा है यानी कि वी इक्वल टू यू हो रहा है। इससे क्या मिला कि वेलोसिटी चेंज नहीं कर रहा, यानी कि मान लीजिए पहले 10 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, मान लीजिए 10 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है तो टी टाइम के बाद 10 सेकेंड के बाद 15 सेकेंड के बाद भी उसके पास वेलोसिटी कितना है 10 मीटर पर सेकेंड है, यानी कि लेकिन यहाँ पे क्या है यू कल टू वी आया, इसका मतलब क्या है कि जो इनिशियल वेलोसिटी था और फाइनल वेलोसिटी जो हुआ यानी कुछ देर के बाद जो वेलोसिटी जो हुआ होगा वो भी क्या है बराबर है, यानी कि यू और वी क्या है बराबर। इट मीन्स पहले जो वेलोसिटी था यानी कि यू जो था मान लीजिए 10 मीटर पर सेकेंड या 5 मीटर पर सेकेंड जो भी था वही कुछ देर के बाद है, यानी कि मान लीजिए 12 बजे उसका 12 बजे यानी कुछ बोल सकते हैं कि 12 बजे उसका वेलोसिटी मान लीजिए इनिशियल वेलोसिटी बोल सकते हैं 10 मीटर पर सेकेंड था, 12 बज के 5 मिनट के बाद उसका क्या है 10 मीटर पर सेकेंड है, कुछ देर के बाद भी क्या है 10 मीटर पर सेकेंड है। बात समझ रहे हैं ना चीज को, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी क्या है जीरो आ रहा है। तो अब सुनिएगा ध्यान से, यहां से हमें क्या कंक्लूजन मिल रहा है कि इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी क्या अगर बराबर आ जाता है इट मींस वेलोसिटी चेंज नहीं कर रहा है, जो पहले था बाद में भी वही है तो वेलोसिटी चेंज नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या बोलते हैं वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या बोल सकते हैं कि वेलोसिटी जो है क्या है कांस्टेंट है, या बोल सकते हैं वी बिफोर वेलोसिटी क्या है कांस्टेंट, या बोल सकते हैं यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म का भी मतलब क्या होता है कांस्टेंट होता है। यहां से हमें क्या रिजल्ट मिला था कि बार बार बोल रहा हूं कि इंपॉर्टेंट है ऊपर से निकल जाएगा ये चीज, बाकी चीज इजी है अभी जो बताऊंगा आगे, है ना, कि यू इक्वल टू क्या आया वी आया। कैसे आपको समझ में आ गया फिर से रिपीट कर दूंगा कि यू इक्वल टू वी, इसका मतलब क्या है कि जो बॉडी के पास जो इनिशियल वेलोसिटी था कुछ देर के बाद जो फाइनल वेलोसिटी जो होगा वो दोनों बराबर है, अगर मान लीजिए 5 मीटर पर सेकेंड है तो कुछ देर के बाद भी क्या रहेगा 5 मीटर पर सेकेंड ही रहेगा बॉडी का वेलोसिटी, क्लियर। तो इससे क्या पता चल रहा है कि बॉडी की वेलोसिटी चेंज कर नहीं रहा है, टाइम तो चेंज कर रहा है 5 10 सेकंड जो भी टाइम है टाइम चेंज कर रहा है बट वेलोसिटी बॉडी का चेंज नहीं कर रहा, जो पहले था बाद में भी वही है, यानी कि वेलोसिटी चेंज नहीं कर रहा यानी कि कॉन्स्टेंट है, या बोल सकते हैं यूनिफॉर्म है, क्लियर। या यहां पर बोल सकते हैं, अब हम यहां पर बोल सकते हैं कि बॉडी जो है ये मूव कर रहा है, इसके बाद हम बोल सकते हैं कि बॉडी जो मूव कर रहा है यूनिफॉर्मली, यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है या बॉडी मूव कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी, या बोल सकते हैं बॉडी मूव्स विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, बोल सकते हैं ना, दिख रहा है इधर, हाँ, यानी कि साफ साफ लिख देते हैं यूनिफॉर्मली मूव करा है, या बोल सकते हैं कि मूव विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, यानी कि ये जैसे ही इक्वल टू वी आया तो यहां से हमें एक चीज पता चला कि बॉडी की वेलोसिटी चेंज नहीं कर रहा, इट मींस कांस्टेंट है यूनिफॉर्म है, तो हम यहां से बोल सकते हैं बॉडी जो है मूव कर रहा है कांस्टेंटली, क्या बोलते हैं यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है, या बोल सकते हैं बॉडी जो मूव कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है, ये हमें यहां से रिजल्ट मिला। अब ये रिजल्ट कब मिला है, जब बॉडी पे नेट फोर्स क्या था जीरो था, तब इसका मतलब क्या था कि बॉडी पे फोर्स नहीं लग रहा था तब ये बॉडी क्या था यूनिफॉर्मली मूव कर रहा था, जब बॉडी पे नेट फोर्स नहीं लग रहा था तो बॉडी यूनिफॉर्मली मूव कर रहा था यानी कि कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा था। अब सुनिएगा फर्स्ट लॉ क्या कहता था कि अगर मान लीजिए कोई एक बॉडी मूव कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, तो अगर उस बॉडी पे अगर फोर्स नहीं लग रहा है तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ ही मूव करते रहेगा, ये हमारा स्टेटमेंट था, है कि नहीं, कि हम लोग क्या बताए थे फर्स्ट लॉ में क्या पढ़े थे कि अगर एक बॉडी मोशन में है यूनिफॉर्मली मोशन में यानी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, अगर उस पे फोर्स नहीं लग रहा है
तो वो कॉन्स्टेंटली मूव करते रहेगा, कॉन्स्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करते रहेगा। अब वही चीज यहां पे देखिए बता रहा है कि एक बॉडी क्या है, मूव कर रहा था, इस पे फोर्स नहीं लग रहा है। क्या नहीं लग रहा है? फोर्स नहीं लग रहा है। लेकिन फोर्स क्या कर दिए? जीरो। यानी कि बॉडी पे नेट फोर्स क्या कर दिए? जीरो कर दिए। यानी कि बॉडी मूव कर रहा है और इस बॉडी पे हमने क्या किया? नेट फोर्स को हमने जीरो किया। जब हम नेट फोर्स को हमने जीरो किया, जब हम इसमें पुट किए, तो हमें क्या देखने को मिला कि जो इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी क्या आ गया? सेम आ गया। इट मींस ये क्या बताना चाह रहा है कि इस बॉडी का वेलोसिटी चेंज नहीं कर रहा है, यानी कि ये बॉडी मूव कर रहा है कॉन्स्टेंट वेलोसिटी के साथ। और ये कब पॉसिबल हुआ? जब इस पे फोर्स नहीं लगा। और न्यूटन का फर्स्ट लॉ ये भी कहता है, यही कहता है कि अगर एक बॉडी कॉन्स्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करता है, अगर उस पे फोर्स नहीं लगता है, उस बॉडी पर अगर फोर्स जीरो है, तो बॉडी मूव करेगा कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ ही। तो यहां पे देखिए वही चीज है कि इस बॉडी पे फोर्स नहीं लग रहा है, इस बॉडी पे फोर्स नहीं लग रहा है, तो बॉडी कैसे मूव कर रहा है? कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है कि नहीं? यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है कि नहीं? यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है कि नहीं? तो ये जो हमने किया, ये हमने किया तो किसके थ्रू किया? इस इक्वेशन के थ्रू। और ये इक्वेशन कहां से आया है? यहां से आया, यानी कि मैथमेटिकल फॉर्मूला। तो बताओ जो फर्स्ट लॉ जो था न्यूटन का, क्या हमने उसका स्टेटमेंट हमने सेकंड लॉ से डिराइव कर दिया कि नहीं? पहला हमने क्या किया, जब बॉडी रेस्ट में था तो बॉडी का इनिशियल वेलोसिटी जीरो लिया और उस पर फोर्स हमने लगाया, तो बॉडी क्या रिमेंस रेस्ट में रहा, फाइनल वेलोसिटी भी जीरो आ गया था। फिर दूसरा केस हमने क्या किया कि एक बॉडी मूव कर रहा था, एक बॉडी मूव कर रहा था और उस पर हमने नेट फोर्स हमने क्या कर दिया? जीरो किया। तो जैसे हमने नेट फोर्स जीरो किया, तो हमने क्या देखा कि उसका इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी क्या आ गया? सेम आ गया। इट मींस उसका वेलोसिटी क्या रहा था? कांस्टेंट आ रहा था। तो यहां से हमने बता दिया कि जब अगर बॉडी मोशन में है और उस पर नेट फोर्स नहीं लगेगा, नेट फोर्स जीरो होगा, तो वो बॉडी जो है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करेगा। ये हमारा क्या कहता है? फर्स्ट लॉ कहता है। तो देखो दोनों चीज डिराइव हो गया कि नहीं? फर्स्ट लॉ डिराइव हो गया कि नहीं? किससे? मैथमेटिकल फॉर्मूला ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन से। ये हमारा कंप्लीट हो गया है कि नहीं? एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हमारा सेकंड लॉ ऑफ मोशन कंप्लीट हो चुका है। अब मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट बता रहा हूं जो न्यूमेरिकल्स बनाने में बहुत आसान देगा, एंड कुछ हम लोग न्यूमेरिकल्स भी बनाएंगे आज। क्लियर? चलिए आगे मूव करते हैं। इतना डेप्थ में इसको क्यों बताया है? क्योंकि ये ऐसे नहीं समझ में आता है, क्योंकि देखो लिंक बनाना पड़ा हमें ना फर्स्ट लॉ से। अब जिसको फर्स्ट लॉ नहीं पता है तो उसको थोड़ा सब कब समझ में आएगा, तो पहले फर्स्ट लॉ देख लेंगे तब थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा, है ना? चलिए दो पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं नोट करके। नोट नंबर वन, ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए एक बॉडी है जिसका मास m है और इस पे नेट फोर्स मान लीजिए f लगाया जा रहा है, जिसके वजह से बॉडी एक्सेलरेट कर रहा है, जिसके पास एक्सेलरेशन क्या हो जा रहा है? रिपीट कर रहा हूं, क्वेश्चन में काम आएगा। एक्चुअली क्वेश्चन बनाने का ही कंसेप्ट दे रहा हूं आपको, है ना? मान लीजिए एक बॉडी है ना, एक बॉडी है जिसका मास क्या है? एम है ना? और इसमें नेट फोर्स कितना लगाया गया? एफ लगाया गया। क्या लगाया गया? एफ लगाया। इस फोर्स के लगाने की वजह से ये जो एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस हो रहा है क्या है? ये है। अब कहता है कि बॉडी का एक्सेलरेशन क्या होगा, तो सुनिए ध्यान से। तो एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा? एम ए। तो यहां से हम ए इक्वल टू कर सकते हैं एफ बाई एम, एफ बाई एम कर सकते हैं। हम ये क्यों बता रहे हैं? रीजन बता रहा हूं। जैसे मान लीजिए एक बॉडी दे रहा है, उसका मास दे रहा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल के तौर पर देख लीजिए। मान लीजिए एक बॉडी है जिसका मास मान लीजिए 10 केजी दे दिया और इस पे मान लीजिए 100 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, बाप रे बाप ज्यादा हो गया, 20 न्यूटन का फोर्स इस पे लगा दिया। अब कहता है कि इस पे जो एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस हो रहा है वो कितना हो रहा है? यानी कि सिंपल एक बॉडी है, उसका मास दे दिया 10 केजी और उस पे जितना टोटल जो फोर्स लगा रहा था वो भी दे दिया। अब पूछता है कि बॉडी का जो एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस होगा वो कितना होगा, यानी कि आपको बॉडी का एक्सेलरेशन निकालना है। तो हम इसका फॉर्मूला मतलब ये फॉर्मूला का यूज करके आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे? एफ इक्वल टू क्या होता है? एम है। तो एक इक्वल टू क्या हो जाएगा? एफ बाई एम। एफ इवन है,
कितना 20 न्यूटन और m गिवन है 10, तो ये 10 गुना कितना हो जाएगा 10 टू 10 कितना होगा 20, इक्वल टू आ गया 2। एक्सेलरेशन निकालने हैं तो एक्सेलरेशन लिमिट क्या होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, आपको यूनिट याद रखना होगा। तो देखिए बॉडी का एक्सेलरेशन हमें मिल गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी कि सिंपल ये हम आपको इसलिए बताए हैं ताकि बाद में छोटा मोटा डाउट जो होता है ना खत्म हो जाए कि एक बॉडी जिसका मास गिवन होगा, फोर्स गिवन होगा, अगर आपको एक्सेलरेशन निकालना है तो एफ बाई एम करके आसानी से निकाल सकते हैं। बट याद रखिएगा क्या आपको फॉर्मूला यही याद रखना है, ए निकालना एम को उधर ले जाइए, कहानी खत्म। क्लियर, बात समझ में आ रहा है? चलिए तो ये तो समझ में आ गया। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 2, ध्यान सुनिएगा आप लोग, है ना। जैसे मान लीजिए एफ इक्वल टू क्या होता है एम ए होता है, एफ इक्वल टू क्या होता है एम ए होता है। क्लियर, अगर हमें पता है कि ए इक्वल टू क्या होता है वी माइनस यू बाई टी होता है, अगर हम इसमें ए के जगह पे अगर हम इसको पुट करते हैं तो देखिए क्या होगा, एम ए की जगह क्या रखेंगे वी माइनस यू बाई टी। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कीजिए एम वी, इसमें एम यू बाई टी। अब ध्यान से सुनना है, एम वी माइनस एम यू, याद कीजिए एम वी क्या था फाइनल मोमेंटम था, एम यू क्या था इनिशियल मोमेंटम था, क्या था इनिशियल मोमेंट, यानी कि हमें पता है कि पीएफ क्या होता है एम वी होता है और पीआई क्या होता है यानी कि इनिशियल मोमेंटम एम यू होता है। तो क्या ये फाइनल मोमेंटम है, ये इनिशियल मोमेंटम है, देयरफॉर एफ इक्वल टू इसके जगह पीएफ रख सकते हैं एंड इसके जगह पीआई रख सकते हैं बाय टी, है कि नहीं। फाइनल माइनस इनिशियल मोमेंटम क्या होता है चेंज इन मोमेंटम होता है, क्या होता है चेंज इन मोमेंटम। तो क्या इसको हम चेंज इन मोमेंटम लिख सकते हैं, यस सर लिख सकते हैं चेंज इन मोमेंटम। देखिए हम पहले ही सारा चीज आपको बता चुका हूं, इसीलिए क्योंकि यहां पे हम यूज करते हैं, पहले भी बोल चुके थे कि बाबू देख लो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोग को लग रहा है कि आजकल सर बोलते रहते हैं, नहीं मैं अगर बोल रहा हूं इसका मतलब आगे यूज होगा। उस टाइम भी बोले थे कि देखो बहुत इंपॉर्टेंट है मोमेंटम, है ना, सारा जो भी चीज बता रहे हैं हम आगे हम बहुत यूज करेंगे, चैप्टर के एंड तक यूज करेंगे मोमेंटम को, बता दे रहा हूं एंड तक यूज करेंगे, इसीलिए अगर मोमेंटम में किसी को दिक्कत है तो हमको पर्सनली बोल सकते हो, है ना। तो देखो ये क्या है फाइनल मोमेंटम, ये है इनिशियल मोमेंटम। देखो हमने लिख भी दिया कि सिंस पीएफ इक्वल टू एमवी होता है पीआई इक्वल टू एमयू होता है, तो एमवी की जगह हमने क्या रखा पीएफ रखा, एमयू की जगह पीआई रखा, ये फाइनल माइनस इनिशियल हो गया। तो फाइनल माइनस इनिशियल क्या देता है चेंज इन मोमेंटम, तो ये क्या है चेंज इन मोमेंटम बाई टाइम। अब आपको याद होगा कि चेंज इन मोमेंटम बाई टाइम क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, याद कीजिए ये भी हम आपको बताया था, यानी कि ये जो पूरा जो चीज आया अब इसको पूरा का पूरा क्या बोलेंगे द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ऑलरेडी बता चुका हूं कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम होता है। तो क्या यहां पे बोल सकते हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। यहां से हमें क्या मिला सर, एक चीज से हमें क्या सीखने को मिल रहा है, यहां से एक चीज हमें सीखने को मिल रहा है कि बॉडी, मान लीजिए एक बॉडी है जिसका मास क्या है एम है, मान लीजिए एक बॉडी है जिसका मास एम है और इस पे फोर्स नेट फोर्स क्या लगाया जा रहा है एफ लगाया जा रहा है, तो कहता है इसके अकॉर्डिंग ये जो भी हमने लाया इसके अकॉर्डिंग ये पता हमें चला कि ये जो नेट फोर्स जो है, ये जो नेट फोर्स है जो बॉडी पे लगा है, ये नेट फोर्स जो बराबर होगा इस बॉडी के द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का। यहां से हमें क्या सीखने को मिला है नया पॉइंट क्या मिल रहा है कि एक बॉडी का अगर मास एम है और उसपे नेट फोर्स एफ लगाया जा रहा है तो क्या कहता है कि जो नेट फोर्स जो होगा बराबर होगा इस बॉडी के द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का। ठीक है, जो नेट फोर्स जो बॉडी का है, बॉडी पे जो नेट फोर्स लगाया है वो बराबर आ रहा है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द बॉडी के बराबर आ रहा है।
यानी कि एफ इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर। एक क्वेश्चन यहां पे आपको बता दे रहा हूं, घबराने की जरूरत नहीं है, मोमेंटम के बराबर। अब इस बॉडी का यानी कि यहां से एक पॉइंट हमें समझ में आ गया कि एक बॉडी पे नेट फोर्स मान लीजिए एफ लग रहा है, तो वो नेट फोर्स जो होगा बराबर होगा उस बॉडी के रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर होगा। ये हमें यहां से सीखने को मिला। ये कहां से लाए हैं, ये थ्योरी अलग से नहीं लाए हैं, एफ इक्वल टू एम एस नहीं लाए हैं, इसी को तोड़ते गए हमारा ये आ गया है कि नहीं। तो ये आपको जस्ट दिमाग में रखने के लिए दिया हूं कि अगर मान लीजिए बॉडी का अगर नेट फोर्स निकालना है तो उसका द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम अगर भी निकाल देते हैं तो आपको मिल जाएगा। यानी कि सिंपल एक बॉडी है और उस बॉडी पे नेट फोर्स कितना लग रहा है अगर आपको निकालना है, तो अगर उस बॉडी का द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम निकाल देते हैं, अगर निकल गया तो वही द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या हो जाएगा, उस बॉडी का नेट फोर्स हो जाएगा। दिखाओ करके, चलिए अब आगे हम लोग क्वेश्चन बना लेते हैं, पूरा कंसेप्ट को क्लियर कर देगा। आपको ध्यान से देखिएगा, देखिए क्वेश्चन क्या करता है। अ कांस्टेंट फोर्स एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 5 केजी फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 2 सेकेंड, इट इंक्रीजेस द ऑब्जेक्ट वेलोसिटी फ्रॉम 3 मीटर पर सेकेंड टू 7 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द अप्लाइड फोर्स। देखिए क्या कर रहा है, देखिए कहता है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना दिया हुआ है 5 केजी दिया हुआ है, और ये इनिशियली मूव कर रहा है विथ वेलोसिटी ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड। ये देखिए क्या कहता है, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास 5 केजी है और ये इनिशियली मूव कर रहा है कितने वेलोसिटी से, 3 मीटर पर सेकेंड से, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी कितना है 3 मीटर पर सेकेंड। अब इसमें एक कॉन्स्टेंट फोर्स लगाया गया, अब इस पे एक कांस्टेंट फोर्स लगाया गया। मान लीजिए इस पे जो कांस्टेंट फोर्स लगाया जा रहा है वो क्या है, एफ है। इस पे जो कांस्टेंट फोर्स लगाया जा रहा है वो मान लीजिए एफ है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये कांस्टेंट फोर्स जो है 2 सेकेंड तक लगाया गया है, कितने सेकेंड तक, 2 सेकेंड तक लगाया गया है। तो 2 सेकेंड तक ये फोर्स लगाने की वजह से इस बॉडी का वेलोसिटी जो 3 मीटर पर सेकेंड था पहले, अब वो इंक्रीज होके 7 मीटर पर सेकेंड हो जा रहा है। और रिपीट कर रहा हूं फिर से कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना है 5 केजी है, इनिशियली कितने से मूव करा था 3 मीटर पर सेकेंड से मूव करा था, बट इस पे जैसे ही कांस्टेंट फोर्स लगाया गया 2 सेकेंड तक, कितने सेकेंड तक था वो 2 सेकेंड तक, तो इसका इनिशियल वेलोसिटी जो था 3 मीटर पर सेकेंड था वो इंक्रीज होकर कितना हो जा रहा है 7 मीटर पर सेकेंड हो जा रहा है। देखिए लिखा है इंक्रीजेस द ऑब्जेक्ट वेलोसिटी फ्रॉम 3 मीटर पर सेकेंड टू 7 मीटर पर सेकेंड, यानी कि 3 मीटर पर सेकेंड से 7 मीटर पर सेकेंड इंक्रीज होकर हो जा रहा है, कब, जब फोर्स इसको 2 सेकेंड तक लगाए रखा तब। क्लियर। अब कहता है कि इसमें जो फोर्स लगाया गया है कॉन्स्टेंट फोर्स, उसका मैग्निट्यूड बताइए, उसका वैल्यू बताइए, न्यूमेरिकल वैल्यू बताइए, यानी सिंपल आपको एफ लग निकालने के लिए बोला है। ठीक है, तो सुनिए यहां पे इनिशियल वेलोसिटी कितना है 3 मीटर पर सेकेंड है, फाइनल वेलोसिटी क्या है 7 मीटर पर सेकेंड है, टाइम कितना दिया है 2 सेकेंड दिया है, मास कितना दिया है 5 केजी दिया है, तो ये फोर्स निकालना है। तो देखिए अभी हम लोग पढ़े हैं कि बॉडी पे जो नेट फोर्स जो होता है वो नेट फोर्स बराबर होता है बॉडी के रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के, यानी कि इस पे जो नेट फोर्स यानी कि एफ जो लगा है वो क्या होगा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर होगा। अभी हमने पढ़ा, अब इसी का हम यूज कर लेते हैं। तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है, द चेंज इन मोमेंटम बाई टाइम, यानी कि चेंज इन मोमेंटम बाई टाइम यानी कि पीएफ माइनस पीआई बाई टाइम, यानी कि पीएफ क्या होता है एमवी होता है, पीआई क्या होता है एमयू होता है, टाइम क्या होता है टी होता है, तो जानते ही हम लोग। नीचे दिख रहा है आप लोगों को, हाँ दिख रहा है कि नहीं।
तो यहां से हमें एक चीज पता चल गया कि यानी कि दर एफ यानी इस पे जो लगा है एफ जो होगा वो बराबर होगा इस बॉडी का जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होगा उसके बराबर होगा। तो एफ इक्वल टू क्या द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हो गया। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम। तो चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम बाय टाइम हो गया। पीएफ क्या होता है, एमवी। पीआई क्या होता है, एमयू। हमने रख दिया बाय टाइम। यानी कि यहां से हमें एक चीज मिल गया, एफ इक्वल टू एमवी माइनस एमयू बाय टी। देखिए आपको जो सुटेबल लगे वैसे बनाओ। तो ये देखिए एम कॉमन निकाल सकते हैं यहां से, तो एम कॉमन हो गया तो वी माइनस वी, और नीचे में क्या है टाइम। अब सारा वैल्यू रख दिया, मास कितना दिया है 5 kg दिया हुआ है, 5 रख दिए। भी कितना है 7 है रख दिए। यू कितना है यहाँ पे देखिए 3 है, 3 रख दिए। टाइम कितना दिया है 2 दिया है। तो देखिए कितना हो जा रहा है, 7 में से 3 जाएगा 4, क्योंकि 5 इंटू 4 बाई 2 2 2 4, 5 2 10, यानी कि 10 न्यूटन। यानी कि इस पे कितना फोर्स लग रहा है, 10 न्यूटन का लग रहा है। आंसर हमारा ये एक हमारा इस तरह से हुआ। यानी कि अभी हमने जो बोला आपको कॉन्सेप्ट बताया वो कॉन्सेप्ट सही है, आप इसको दिमाग में रख सकते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो होता है किसके बराबर होता है, तो आप बोल सकते हैं फोर्स के बराबर होता है। तो देखिए हो रहा है ना, देखिए द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो होता है बराबर होता है, और उसी कॉन्सेप्ट हमने क्वेश्चन बना दिया। अब कोई बोलेगा सर कि हम इतना क्यों करेंगे, हम तो डायरेक्ट भी तो इसे बना सकते हैं। तो देखिए एक और मेथड से इसको बनाते हैं, है ना, या तो समझ में आ गया। इसको एक और मेथड से बनाते हैं। देखिए एक क्वेश्चन को हम बहुत तरीके से बना सकते हैं, बट मैं सत्य आपको उसमें महारत होना चाहिए। देखिए एक तो ऐसे बना दिए कि तो उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को बढ़ा कर दिए फोर्स से, तो इसे बना दिए। एक आप एफ इक्वल टू एमएस भी बना सकते हैं, सब घूम फिर के यही आता है बाबू, एफ इक्वल टू एमएस भी बना सकते हैं। तो देखिए एफ जो है मास हो गया, एक्सेलरेशन क्या होता है वी माइनस ई होता है, रख दिए फटाक से। देखिए इससे बन गया है कि नहीं, तो मास कितना दिया, देखिए 5 kg दिया हुआ है, भी कितना दिया है 7 दिया है, यू कितना दिया 3 दिया है, टाइम कितना दिया है 2 दिया है। तो देखिए 5 ये क्या 4 3 7, यानी कि 4 हो गया, ये 2 कट गया, ये 5 2 10 न्यूटन। तो देखिए हम इस क्वेश्चन को पहले उस मेथड से क्यों बनाया, क्योंकि आपको बताना चाह रहा था हूं कि जो फोर्स जो होता है बॉडी पे द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर होता है। अब उसी को समझाने के लिए हमने उस तरह से हमने बनाया, नहीं तो आप ऐसे भी बना सकते हैं। एफ इक्वल टू एम ए, एम ए की जगह वी माइनस यू बाई टी होता है, फाइनल वेलोसिटी गिवन है, यू दिया हुआ, टाइम दिया, सब वैल्यू पुट करो, एम से निकल जाएगा। क्लियर, बात समझ में आ गया, गुड। तो अगले क्लास में हम लोग बहुत सारा न्यूमेरिकल्स करेंगे, मतलब अगले क्लास में सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल्स करेंगे, देन उसके अगले क्लास में हम लोग फोर्स के यूनिट के बारे में सिर्फ पढ़ेंगे, देन अगले क्लास मतलब अगले वीक में हम लोग थर्ड लॉ के बारे में पढ़ेंगे, या फिर कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। यानी कि हमारा नेक्स्ट वीक में खत्म हो जाएगा सिलेबस, क्लियर। यानी कि 6 क्लास में हमारा सिलेबस खत्म हो जाएगा, ये चैप्टर हमारा 6 क्लास में खत्म हो जाएगा, क्लियर। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में।